सरप्राइज्ड हो गए ना आप लोग मुझे आज कुमकुम के रूप में देखकर। लेकिन मौका ही कुछ ऐसा था कि मैंने सोचा कि आज तो मैं आपसे कुमकुम बनकर ही मिलूंगी। हाल ही में 15 जुलाई को कुमकुम को 18 साल पूरे हुए और भले ही अब ये शो एयर पर नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार अब भी कुमकुम के लिए बिल्कुल वैसे ही बरकरार है और हमारे बीच जो प्यारा सा बंधन बना वो उतना ही मजबूत है, या ये कहूं कि और भी मजबूत हो गया है। तो इस कुमकुम एनिवर्सरी पर मैंने सोचा कि आप लोग जो मुझे इतना प्यार देते हैं तो मैं भी आपके लिए कुछ तो करूं। तो एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि ना सिर्फ मैं आपके सामने कुमकुम बनकर आऊं, बल्कि आप कुमकुम कैसे बन सकते हैं, यानी आप कुमकुम की तरह तैयार कैसे हो सकते हैं, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूं। इसलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुमकुम की तरह तैयार होना दिखाऊंगी, ताकि आप अगर कभी कुमकुम की तरह सजना चाहें और कुमकुम लुक में तैयार होना चाहें तो हो सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कुमकुम बनना शुरू करें। सो कुमकुम लुक के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हम मेकअप से शुरू करेंगे। सो मेकअप में फाउंडेशन आप जो भी लगाना चाहें, जैसे भी आपको बेस करना पसंद है अपने फेस के लिए, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आई शेडो भी, जो भी नेचुरल आई शेडो आप लगाना चाहें लगा लीजिए। मेन कुमकुम लुक के लिए जरूरी है लाइनर। तो कुमकुम लाइनर कैसे लगाती थी, चलिए ये सीखते हैं। सो जैसा लाइनर मैं लगाती थी वो लुक अचीव करने के लिए आप कोई भी पेंसिल काजल ले सकते हैं, बहुत सिंपली लग जाता है। अब आप कहेंगे कि इस लाइनर में क्या खासियत है, लाइनर तो लाइनर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लाइनर ना बहुत ज्यादा थिक लगाया है ना बहुत थिन, एक मॉडरेट सी थिकनेस रखी है। और सबसे खास बात ये देखिए, यहां से बहुत थोड़ा सा बाहर निकाला है। जनरली लोग या तो बहुत ज्यादा बाहर निकाल लेते हैं कॉर्नर से लाइनर, या फिर यहीं एंड कर देते हैं, जो आंखों को ब्लंट सा शेप देता है। लेकिन जैसे ही आप हल्का सा लाइनर बाहर निकालें तो जो कुमकुम आईज दिखती थी बिल्कुल वैसी दिखने लगेंगी आपकी भी। और लाइनर के बाद मस्कारा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मस्कारा लगाने से आंखें बड़ी और सुंदर लगती हैं। सो लाइनर लग गया, मस्कारा भी लग गया, और अब बारी है काजल की। याद रखिएगा, अगर कुमकुम आईज चाहिए तो काजल जरूर लगाइएगा, क्योंकि काजल के बिना आंखें सूनी जो लगती हैं। सो देखिए कितना फर्क लग रहा है ना आंखों में। काजल बहुत इंपॉर्टेंट है कुमकुम आईज के लिए। अब बस थोड़ा सा ब्लश ऑन। और अब लिपस्टिक की बारी। मेकअप तो पूरा हो गया, लेकिन आप कहेंगे कि बाल बिल्कुल कुमकुम जैसे नहीं लग रहे, है ना? एक मिनट। क्योंकि कुमकुम मोस्टली खुले बाल ही रखती थी, इसलिए आपको बालों के लिए कोई हेयर स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ऐसे ही खुले छोड़ दीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा वेवी या कर्ली हैं, तो हो सके तो ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनिंग कर लीजिए, और अगर कर्ली नहीं है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस अच्छे से ब्रश कर लीजिए और कुमकुम हेयर रेडी। मेकअप हो गया, बाल भी बन गए, अब टाइम टू चेंज।
साड़ी पहन ली और अब साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ज्वेलरी भी पहननी होगी। मेकअप, हेयर, साड़ी भी पहन ली, ज्वेलरी भी पहन ली, लेकिन अब भी कंप्लीट कुमकुम लुक नहीं है, क्योंकि कुमकुम का असली श्रृंगार अब भी बाकी है। अब हुआ ना कुमकुम लुक कंप्लीटली कंप्लीट। आफ्टर ऑल इस बिंदी और कुमकुम के बिना ये लुक हमेशा अधूरा है। आप लोग भी जब इस लुक को ट्राई करें तो ये बिंदी लगाना ना भूलें। इस बिंदी में हर लड़की बहुत सुंदर लगती है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कुमकुम की तरह सजना और कुमकुम की तरह बनना कैसा लगा। मुझे कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होगी।